भारतीय जनता पार्टी के जिला समन्वय समिति की बैठक प्रदेश सिंचाई व यांत्रिकी मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सांसद कमलेश पासवान, विधायक फतेह बहादुर सिंह, संत प्रसाद, विपिन सिंह, संगीता यादव, डॉक्टर विमलेश पासवान के अलावा समन्वय समिति के अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बैठक का संचालन भाजपा के जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी ने किया। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पार्टी द्वारा जारी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की रणनीति तैयार की गई और उसके संचालन के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। तो 30 तारीख को कुशीनगर चलना है सबको। अच्छा, 30 तारीख को। हाँ, कितने बजे है? अशोक सिंह जी नहीं आए। उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री और गोरखपुर जिले के प्रभारी मंत्री माननीय धर्मपाल सिंह जी, गोरखपुर डॉक्टर विमलेश पासवान जी, निषाद जी, क्षेत्रीय कार्यालय मंत्री श्री सागर तिवारी जी और गोरखपुर जिले के महामंत्री द्वारा श्री निरंकार त्रिपाठी जी और दिवस के पावन बेला पर आप सभी गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए आज की बैठक में जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा होनी है उसके तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। संगठन की हमारी कार्य योजना जो है अभी 29 तारीख को आपकी ही है परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम है जिसे माननीय हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री जी दिल्ली में से उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ऐसा संगठन का निर्देश है कि हर जनप्रतिनिधि को कार्यकर्तागण गणमान व्यक्तियों को जो ये आमंत्रित करना एक स्थान पर इकट्ठा करके और माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनना और नमो ऐप के माध्यम से अगर कोई उनसे सीधी बात भी करना चाहता है तो बात भी कर पाएगा ऐसा निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ। 30 तारीख को गोरखपुर लोकसभा, बांसगांव लोकसभा, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज जनपद क्षेत्र जो सेक्टर के प्रभारी हैं, सेक्टर संयोजक, मंडल के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण का एकत्रीकरण कुशीनगर जनपद पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक को भी उस कार्यक्रम में रहना है।